बैठते हैं ये? ये देखो आमिर सुहेल साहब गाड़ियों में क्यों बैठते हैं ये? ये है आपकी रियलिटी। ये कश्मीरी आपका क्यों जलील है? कश्मीरी कश्मीरी होने पे हमको प्राउड है पूरे कश्मीर को। मैं पूरी कश्मीर कौम से कहना चाहता हूँ, आप कहते हो कि हम कश्मीरियों से ही जेब से पैसा निकालेंगे, फिर क्या एक्सपेक्ट करते हो आप कश्मीरियों पे? आप कैसे कश्मीरियों पे ब्लेम देते हो? ये रियलिटी है। देखो गाड़ियों के नीचे क्या होता है यहाँ पर, ये यहाँ पर गाड़ियां जब ये वीडियो मैसेज मेरी आमिर सुहेल डेली तस्कीन को पहुंचनी चाहिए। आमिर सुहेल ने अभी अभी हाल ही में एक लाइव किया है, उसमें उन्होंने कहा है परसों एक ड्राइवर की मौत गाड़ी में हुई है रात को। उन्होंने कहा है कि मुझे कश्मीरियों पे शर्म है, मगर मैं आपको ये आमिर सुहेल कहना चाहता हूं मुझे कश्मीरियों पे प्राउड है, मुझे कश्मीरी होने पे प्राउड है और पूरे कश्मीर पे मुझे प्राउड है। आमिर सुहेल साहब आप किन कश्मीरियों को बोलते हो आप? आपने पहले ग्राउंड रियलिटी देखी? ये वो लोकेशन है जहां पर उस ड्राइवर की गाड़ी थी, ये वो लोकेशन है। आपने पहले ग्राउंड रियलिटी देखी? आपने वन साइड स्टोरी चलाई कश्मीरियों के खिलाफ, प्रोपेगेंडा एक फैलाया आप लोगों ने, और कहते हो हमको कश्मीरियों पे शर्म है। किन कश्मीरियों पे आपको शर्म है? मुझे प्राउड है कश्मीरी होने पे और पूरे कश्मीर पे मुझे नाज है। आप कहते हो कि हमको कश्मीरियों पे शर्म है, किन कश्मीरियों पे? 2014 में जब फ्लड आया ना, यहां पर आउटसाइडर्स कितने थे, हमने उनको खिलाया। 2019 में कितने टूरिस्ट है यहां पर, हमने उनको खिलाया। मिस्टर आमिर सुहेल साहब वन साइड जर्नलिज्म क्यों करते हो? मुझे शर्म है आप पे ऐसी जर्नलिज्म करने पे। ये लोकेशन है वो जहां पर उस ड्राइवर की मौत हुई थी और ये गाड़ी है वो। रियलिटी दिखाऊंगा मैं, क्या है रियलिटी, यहां पर क्यों बैठते हैं ये? ये देखो आमिर सुहेल साहब गाड़ियों में क्यों बैठते हैं ये? ये है आपकी रियलिटी। ये कश्मीरी आपका क्यों जलील है? कश्मीरी कश्मीरी होने पे हमको प्राउड है पूरे कश्मीर को। मैं पूरी कश्मीर कौम से कहना चाहता हूं, आप कहते हो कि हम कश्मीरियों से ही जेब से पैसा निकालेंगे, फिर क्या एक्सपेक्ट करते हो आप कश्मीरियों पे? आप कैसे कश्मीरियों पे ब्लेम देते हो? ये रियलिटी है। देखो गाड़ियों के नीचे क्या होता है यहां पर, ये यहां पर गाड़ियां जब रुकती है ये करने के लिए यहां पर बैठते हैं गाड़ी वाले। शर्म है मुझे आप जर्नलिज्म करने पे। अपने कश्मीरियों को बदनाम किया यहां पर, आज मैं दिखाऊंगा रियलिटी आपको। मिस्टर आमिर सुहेल साहब डेली तस्की, आपको पता है आपको फॉलोअर कहां के हैं? वो आपको कश्मीर के फॉलोअर है। आप एक्सपेक्ट करते हो हम पैसे देंगे आपको? कैसे बोलना आपने कि कश्मीरों पे हमको शर्म है, मुझे प्राउड है कश्मीरी। मैं चैलेंज करके कहता हूं वर्ल्ड में कश्मीरी जैसा कोई नहीं है। मैं ये अपने खून से लिख के दूंगा आपको, कश्मीरी जैसा कोई नहीं है वर्ल्ड में। मुझे प्राउड है कश्मीरी होने पे। मिस्टर आमिर सुहेल, तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और ये मिस्टर आमिर सुहेल डेली तस्कीन तक पहुंचना चाहिए। जनाब क्या हुआ था उस दिन यहाँ पर जब, रियलिटी बताइए आप। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसिफ है। आपकी दुकान है यहाँ पर? जी मेरे यहाँ पे ट्रैवल है। ये बताइए डेली तस्कीन मिस्टर आमिर सुहेल साहब, जो भी आमिर सुहेल साहब ने बोला है बहुत ही गलत बोल रहा है। जहाँ पे हमारा ट्रैवल है यहाँ पे गाड़ी लगी हुई थी, जब मैं सवेरे यहाँ पे आया तो बुरी भीड़ जमी हुई थी। क्या बात है, यहाँ पे ड्राइवर की लाश, मतलब गाड़ी बंद थी, सब आ गए कि क्या बात है। तो देखा गया कि गाड़ी खुल नहीं रही है, फिर उसका मालिक भी आया, सब आए, यार ये गाड़ी क्यों नहीं। यहाँ पे लोकल एक आए, देखा तो उसकी डेथ बॉडी थी। डेथ बॉडी ऐसी हालत में थी कि ऊपर वाला ही जानता है कि कैसे। अगर हमारे यहाँ कोई ड्राइवर आता है उसके पास, आपको लगता है कि कश्मीरी, मुझे लगता है कि मुझे प्राउड है और पूरे कश्मीर को प्राउड है कश्मीरी पे। जी हाँ, इंशाल्लाह हम लोगों को प्राउड है कश्मीर होने पे और कश्मीरियों पे, क्योंकि अगर किसी ड्राइवर के पास जगह नहीं होती है, वो चाहता है कि गाड़ी में सोए। मेरा खुद आवाज है। मैं आसिफ साहब, जो ये ड्राइवर की मौत हुई वो किस होटल में रुका था, और क्या आपको लगता है कि होटल वाले यहाँ पर प्रोवाइड नहीं करते हैं? नहीं करते हैं, ऐसी गलत बात है। जो भी ये इलिगेशन लगाई है गलत, घंटा कश्मीर। सबसे बड़ी बात है कि वो इस साइड में होटल था ही नहीं उसका, उसको बिलवाड़ साइड में होटल था। क्या वजह थी कि वो फिर यहाँ पे सोने को आया गाड़ी में, जबकि वहाँ पे उसको होटल है, सब कुछ पार्किंग है उनके होटल वालों की, वहां से यहाँ तक आया वो। और जब उसकी डेड बॉडी निकल गई, अब मतलब सोशल मीडिया पर ये बात नहीं बोल सकता मैं, गाड़ी में क्या था, मतलब वो बोल नहीं सकते। जी जी, जो उसमें था वो हम बोल नहीं सकते हैं। वो शर्मनाक एक है कि उनके वो पर्सनल वो है जो जिस हालत में निकाली गई थी डेड बॉडी। डॉक्टर भी आए, पुलिस भी आए, देखा उसमें से क्या क्या निकला, इसी वजह से यहाँ पे उन्हें गाड़ी खरीदी। अगर हम लोगों को ऐसा कोई ड्राइवर आता है जो गाड़ी में सुन, हम खुद उसको, यहाँ पे मेरा ऑफिस है, मैं उसको बोलता है जाओ अंदर सो जाओ, बाहर मत सो जाओ गाड़ी में। कहते हैं नहीं भाई अंदर सो जाओ कि इसको कोई तकलीफ। और होटल वाले भी देते हैं, ऐसा नहीं कि होटल वाले, ये कुछ ऐसी चीज है कि खुद गाड़ी में जाके सो जाते हैं। और यहाँ पे इसका होटल ही नहीं था पहले, वो बिलवाड़ साइड में था, और यहाँ आने का मतलब क्या था कि यहाँ गाड़ी में सोने का। और वो खुद जो गाड़ी का ऑनर है उसके पास चार पांच, गाड़ी का ओनर कौन था, गाड़ी का जम्मू का ही है वो भी, जम्मू का। उसने क्या फिर बताया यहाँ, उसने बोला यार मेरा इसका होटल उधर था, यहाँ क्या करने आया था ये सोने को, उसके भी चार पांच वहां भी सो सकता था। और दूसरी बात है,
होटल वाला ये जो ड्राइवर होते हैं इनको अच्छी खासी कमाई होती है, यानी कि ये 10,000-5,000 रुपये होते हैं इनकी कमाई होती है। ये लोग 4-5 ड्राइवर मिलके 500 रुपये में या 300 रुपये में इनको ड्राइवर को रूम भी मिल सकता है यहाँ पे, यानी कि इनको बोलेंगे 2,000 दे दो 1,000 रुपये, 300-400 रुपये में इनको 3-4 लोगों को रूम भी मिल जाते हैं अगर ये पर्सनल लेना चाहते हैं। मगर ये कि वो चीज़ें उनको होटल में प्रोवाइड नहीं होगी जो ये गाड़ी में कर सकते हैं, इसी वजह से ये लोग की उस हालत में था यहाँ पे। फिर ये आप एलिगेशन लगाते हैं कश्मीरियों पे कि ऐसा है कि वैसा है, कश्मीरी ने एक्सरे क्यों नहीं दिया भाई, अगर इसका होटल लेती यहाँ क्या करने आया था, ये होटल उस साइड था उसका। आमिर साहब पहले यहाँ पर आइए विजिट कीजिए और आप कश्मीरी पे ब्लेम लगा रहे हैं और उसके बाद कहते हैं हम कश्मीरियों के जेब से पैसा निकालेंगे। आपके जो फॉलोअर्स है ना वो कश्मीर से है, कश्मीर से बेगैरत इंसान हो आप, आपने कश्मीरियों पे कैसे इल्जाम लगाया। हाँ अनफॉर्चुनेट है उसकी मौत हो गई, हम पे उसमें शर्मिंदा है कि इंसान की जान चली गई, मगर कश्मीरियों पे ब्लेम लगाना, किसी होटल पे ब्लेम लगाना, होटल ने उसको पहले, आपने ग्राउंड रियलिटी देखी, पहले यहाँ पर ग्राउंड